तो दोस्तों फाइनली सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी A30 और A50 को अनाउंस कर दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A50 की, और दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मोबाइल फोन पर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, क्या रह सकते हैं मोबाइल फोन के प्राइस, और ये मोबाइल फोन हमें इंडिया की मार्केट में कब तक देखने को मिल जाएगा। तो बिना स्किप के दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन से। दोस्तों A50 की सारी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक इन्फिनिटी यू नोच भी देखने को मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें एक्सिनोस 9610 का चिपसेट मिलता है, जिसे क्लॉक किया गया 2.3 GHz पर। अगर रैम और स्टोरेज की बात करें तो यह मोबाइल फोन हमें दो वेरियंट्स में मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। और दोस्तों इस पर हमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब कि माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों कैमरास की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जिसमें हमें रियर साइड में मेन कैमरा 25 MP का मिलता है, और सेकेंडरी कैमरा हमें 8 MP का मिलेगा, और थर्ड सेंसर दोस्तों हमें 5 MP का देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें दोस्तों अल्ट्रा वाइड एंगल भी मिलता है और डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाता है। अगर सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें 25 MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 के कैमराज हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अगर बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो USB-C टाइप पोर्ट के साथ आती है, जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट कर लेती है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिल जाएगा, और सैमसंग की खुद की UI भी हमें देखने को मिल जाती है। और मोबाइल फोन पर दोस्तों हमें NFC और सभी तरह के बेसिक सेंसर देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस और लॉन्च डेट की। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A30 और A50 के प्राइस हमें एग्रेसिव देखने को मिल जाएगी, मतलब कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 के प्राइस हमें 20,000 रुपये के नीचे देखने को मिल जाएगी, जिसके प्राइस हमें लगभग 17,000 या 18,000 रुपये के बीच देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों ये मोबाइल फोन इन प्राइस में लॉन्च होता है तो दोस्तों एक अच्छा मोबाइल फोन साबित होगा, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और अच्छे कैमरा और अच्छी बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो सीधा टक्कर देगा रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 जैसे मोबाइल फोन को। तो बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के रिलीज डेट की। दोस्तों जैसे कि आपको कुछ दिनों पहले पता चला होगा कि सैमसंग ने कंफर्म कर दिया था कि हम सैमसंग ए सीरीज को इंडिया के मार्केट में 28 फरवरी को लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों ये मोबाइल फोन हमें इंडिया के मार्केट में 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा, जो एक एग्रेसिव प्राइस के साथ इंडिया के मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मोबाइल फोन की स्पेसिफिक प्राइस और लॉन्च डेट की बातें। अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।